बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस्समद लम यलिद वलम यूलद वलम याकुल्लहु कुफुवन अहद सदाकल्लाहुल अज़ीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज लेक्चर। एंड बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू लेक्चर, वी वुड लाइक टू हैव अ लिटिल बिट ऑफ रीकैप ऑफ लास्ट लेक्चर। तो लास्ट लेक्चर में हमने वैल्यूएशन किया था रिलेटिव मॉडल्स के थ्रू। वी डिस्कस रिलेटिव मॉडल्स, और इन मॉडल्स के अंदर जो हमने डिस्कशन की थी, वी डिस्कस अबाउट पी रेशो के बेस पे हमने डिसीजन किया था वेदर टू बाय अ स्टॉक और सेल अ स्टॉक। उसके बाद हमने बुक टू मार्केट रेशो, ये दो जो रेशो हैं बुक टू मार्केट रेशो की बेस पे हमने डिसीजन किया था वेदर टू बाय अ स्टॉक और सेल अ स्टॉक। तो इसके अंदर हमने बेसिकली किया क्या था कि हमने सबसे पहले मार्केट प्राइस पर शेयर किसी भी डेट के लिए थी, कुछ चार कंपनीज़ की एक सेक्टर लिया था, सेक्टर में से हमने चार से पांच कंपनीज़ ली थी, उनकी एक डेट के ऊपर हमने मार्केट प्राइस पर शेयर ली थी। फिर उनकी प्राइस टू अर्निंग रेशो फाइंड की, प्राइस टू अर्निंग रेशो हमने फाइंड करने के बाद हमने उसकी एवरेज पी रेशो फाइंड करके और उसकी फेयर प्राइस हमने कैलकुलेट कर ली। फेयर प्राइस की बेस के ऊपर हमने बताया वेदर दिस स्टॉक इज़ अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड। अगर अंडर वैल्यूड था तो उसको हमने बाय की सजेशन दी थी रिजल्ट में, और अगर ओवर वैल्यू है तो उसको हमने सेल की सजेशन दी थी। सेकंड पार्ट में भी हमने सेम केस किया था, हमने सबसे पहले फाइंड किया था मार्केट प्राइस पर शेयर, एक सेक्टर लिया था उसमें से चार कंपनीज ली थी, उसका मार्केट प्राइस पर शेयर लिया था, फिर उन कंपनीज़ की हमने बुक टू मार्केट रेशो कैलकुलेट की थी। ठीक है, बुक टू मार्केट कैलकुलेशन करने के बाद हमने उनकी एवरेज बुक टू मार्केट रेशो कैलकुलेट की अकॉर्डिंग टू दी सेक्टर, सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बुक टू मार्केट रेशो फाइंड की। वहाँ से हमने फेयर मार्केट प्राइस निकाली, फेयर मार्केट प्राइस को हमने कंपेयर किया एक्चुअल मार्केट प्राइस पर शेयर के हिसाब से, और फिर हमने वहाँ से फाइंड किया अंडर वैल्यू स्टॉक्स एंड ओवर वैल्यू स्टॉक्स, और एट द एंड हमने रिजल्ट जो है वो निकाला कि वेदर अगर अंडर वैल्यू स्टॉक है तो उसको बाय कर लें, और अगर ओवर वैल्यू स्टॉक है तो उसको क्या कर लें, सेल कर लें। अब थर्ड और फोर्थ मेथड जो है वो आज करनी है। आज हमारा जो मकसद है दैट इज़ सेल्स टू प्राइस रेशो, एंड फोर्थ वन इज कैश टू प्राइस रेशो। ये दोनों रेशोज़ की बेस के ऊपर हम लोग आज डिसीजन मेकिंग करेंगे। सेल जो है आपकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की आइटम है, और कैश जो है आपकी बैलेंस शीट की आइटम है। इन दोनों की बेस के ऊपर हम डिसीजन करेंगे वेदर टू बाय अ स्टॉक और सेल अ स्टॉक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट दी सेल्स टू प्राइस रेशो। ठीक है, सेल्स टू प्राइस रेशो का फॉर्मूला जो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेल्स टू प्राइस रेशो को मैं कह देता हूँ एस पी रेशो। ठीक है, ताकि आगे हमें इतने लंबी स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत ना पड़े। एस पी रेशो इज इक्वल टू टोटल सेल्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। ठीक है, इससे आपको सेल्स पर शेयर जो है उसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी, टोटल सेल्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। ठीक है, ये आपकी जो है सेल्स पर शेयर की वैल्यू आ जाएगी। इस टोटल को आप डिवाइड कर देंगे किस पे, एमपीएस मार्केट प्राइस पर शेयर, जिसको हमने लास्ट लेक्चर में एमपीएस कहा था, मार्केट प्राइस पर शेयर से आप इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, सेल्स जो है सेल्स की फिगर आपको कहाँ से मिलेगी, किसी भी कंपनी की सेल की फिगर अगर आपने फाइंड करनी है तो वो आपको कहाँ से मिलेगी, इनकम स्टेटमेंट से मिल जाएगी।
और नंबर ऑफ शेयर्स का लास्ट टाइम मैंने बताया था, ये नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग आपको कैपिटल वाली सेक्शन में जो है बैलेंस शीट के राइट साइड पर कैपिटल वाले सेक्शन में नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग भी मिल जाएंगे। ओके नाउ कमिंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन, जिससे थोड़ा सा हमें अंदाजा हो जाएगा। वी आर टेकिंग टुडे या तंबाकू कंपनी, तंबाकू सेक्टर, तंबाकू सेक्टर, ठीक है। इसमें हम कंपनीज लेंगे और इनका एनालिसिस करेंगे। हमने तीन कंपनीज ली हैं इसमें से, पीटीसी, ठीक है, उसके बाद आईसीटीसी एंड पीआईटीसी, ये तीन कंपनीज हमने ले ली। ठीक है, अब इन कंपनीज का उस डेट पे एमपीएस फाइंड कर लेते हैं कि एमपीएस कितना है, मार्केट प्राइस चार्ट किसी भी डेट पे आप देख सकते हो। लेट्स से हम दिसंबर 31 को एमपीएस चेक कर रहे हैं इन तीनों कंपनीज का। तो पीटीसी की पर शेयर की जो प्राइस है रुपीज़ में देख लेते हैं, रुपीज़ में जो कीमत है वो है जी 100 रुपीज़ का एक शेयर है, ठीक है, पीटीसी का 200 का एक शेयर है आईसीटीसी का, एंड 60 का एक शेयर है पीआईटीसी का, ठीक है। उसके बाद सेल्स रुपीज़ में होती है, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ी सी इसकी वैल्यू डाउन करने के लिए हम इसको थाउजेंड्स में लिखेंगे। मतलब अगर मैं इसको 5,000 यहाँ पर लिखता हूँ, उसका मतलब है 5 करोड़, ठीक है, 5 करोड़ की सेल है। तो यहाँ पे अगेन पीटीसी में मैं लिखता हूँ 5,000 सेल्स, 5,000 मतलब 5 करोड़, क्योंकि ये थाउजेंड्स में मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये आ जाएगा, उसके बाद आपके पास आ जाता है आईसीटीसी का 1,000 सेल्स हुई है, मतलब 1 करोड़, एंड दिस इज 2,000, सो इट इज 20 मिलियन। देन बैलेंस शीट से हमने एक और चीज़ फाइंड करनी है, दैट इज़ नंबर ऑफ शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, क्योंकि ये टोटल सेल है, हमें टोटल सेल की फिगर नहीं चाहिए, हमें सेल्स पर शेयर हमने फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड कर लेते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स भी हम लोग थाउजेंड में ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि सेल से डिवाइड करना है। तो ये 50 का मतलब है 50,000 शेयर्स, सॉरी ये 50 नहीं है, पहला फर्स्ट वन इज़ 100, 100 का मतलब है 100,000 शेयर्स, 22,000 शेयर्स, 35,000 शेयर्स, ठीक है। हमने अब यहाँ पर जो है सबसे पहले ये मैं आपको बताता चलूँ, इस फिगर को फाइंड कर लेना, इसको पहले इसको फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, टोटल सेल्स जो हमारे पास ये दी हुई है उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स पे, तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो है वो सेल्स पर शेयर जो है वो आ जाएगी। 5,000 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सेल्स पर शेयर आ जाएगा, सॉरी अबाउट द लाइंस, सेल्स पर शेयर आया 5,000 को 100 पर डिवाइड किया तो सेल पर शेयर आया 50 रुपीज़, सेल पर शेयर आया 1,000 को 22 पे तो 45.45, एंड 2,000 को 35 पे डिवाइड किया तो 57.1 आपके पास आ गया। अब जो हमारे पास ये फिगर आ गई, ये वाली फिगर, तो इसको हम इस पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एस पी रेशो मतलब सेल्स टू प्राइस रेशो आ जाएगी। मतलब इस वाली रकम को हमने डिवाइड करना है इस पर, ठीक है, एम पी एस पे 50/100 करना है तो वो हमारे पास एस पी रेशो आ जाएगी, ठीक है। तो ये 50/100 ये आ जाएगा 0.5, उसके बाद 45.45 डिवाइड बाय 200,
सॉरी, सॉरी, इट्स अ मिस इंटरप्रिटेशन थोड़ी सी हो गई यहाँ पर हमारे से, इट्स बीन अ मिस्टेक, सो दिस इज़ नॉट 200, दिस इज़ 20। ICTC में अगेन रिपीट कर दूँ, इसकी मार्केट प्राइस पर शेयर इज़ 20, नॉट 200। ओके, 45.45 डिवाइड बाई 20, इट विल बी 2.27। देन 57.1 डिवाइड बाई 60 विल 0.95। इसका टोटल किया, टोटल हमारे पास आ गया 3.72। टोटल SP रेशियो ऑफ दी तंबाकू सेक्टर इज़ 3.72। तो अगर एवरेज SP रेशियो निकालनी है ऑफ तंबाकू सेक्टर, वो आ जाएगी 3.72 डिवाइड बाय कितने नंबर ऑफ कंपनीज हैं, 1, 2 एंड 3। तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे, आपके पास जो एवरेज आ जाएगी दैट इज 1.24, 1.24 आपके पास आ गई। ओके, व्हाई वी डिड दिस एवरेज एसपी रेशियो, अगेन वी आर गोइंग टू फाइंड अ फेयर वैल्यू। तो अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आपने SP रेशियो फाइंड करनी है, सेल टू प्राइस रेशियो फाइंड करनी है, तो उसका फॉर्मूला है सेल्स पर शेयर डिवाइडेड बाय MPS। और अगर आप इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करते हो, यहाँ पे आप ले आते हो एवरेज इंस्टेड ऑफ SP रेशियो, यू ब्रिंग एवरेज SP रेशियो, तो फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ये सेल्स पर शेयर ही रहेगा, बट MPS विल कन्वर्ट इनटू फेयर प्राइस। ठीक है, तो थोड़ा सा फॉर्मूले को हम चेंज करेंगे, फेयर प्राइस विल बी इक्वल टू सेल्स पर शेयर डिवाइड बाय एवरेज SP रेशियो। ठीक है, अगर आपने फेयर प्राइस निकालनी है, सेल्स पर शेयर डिवाइड बाय एवरेज SP रेशियो, एवरेज SP रेशियो आपके पास ये आ गई है 1.24, और आपके पास सेल पर शेयर ये दिया हुआ है। तो अगर आपने फेयर प्राइस कैलकुलेट करनी है, तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज़ यू आर गोइंग टू डिवाइड दीज वैल्यूज़ बाय दिस वन। पहले वाले में आप क्या करेंगे, 50 डिवाइड बाय 1.24। जब आप ऐसे करेंगे 50 डिवाइड बाय 1.24, आपके पास जो है फेयर वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले की जो फेयर वैल्यू आई है PTC की, फेयर वैल्यू आई है दैट इज़ 40.32। ठीक है, दिस इज़ दी फेयर वैल्यू इन रुपीज़, इतनी इसकी वैल्यू होनी चाहिए। अच्छा, ICTC की अगर आप देखें तो ICTC की वैल्यू आ जाएगी आपके पास अगेन 45.45 को डिवाइड करेंगे 1.24 से, आपके पास आ जाएगी 36.65। ठीक है, 36.65 आपके पास आ जाएगी। और लास्टली आपके पास जो है वो आ जाती है जी PATC, PATC डिवाइड करेंगे अगेन 57.1 को डिवाइड करेंगे 1.24 पे, तो हमारे पास आ जाएगा ऑलमोस्ट 46.08।
एंड दीज आर द वैल्यूज फेयर प्राइसेस। तो अगेन आगे क्या करेंगे हम लोग, वी विल चेक द स्टेटस वेदर दे आर अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड। अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड को कंपेयर करने के लिए हमने इस कॉलम को देखना है और शुरू वाले कॉलम को देखना है, एमपीएस के कॉलम को देखना है। पहले वाले को देख लें, एक्चुअल प्राइस है जी इसकी 100 जो अभी चल रही है मार्केट के अंदर, इसकी फेयर प्राइस कितनी होनी चाहिए, ऑलमोस्ट 40, इसकी फेयर प्राइस 40 होनी चाहिए। तो ये क्या है, ये मार्केट में ओवर वैल्यू है, ओवर वैल्यू स्टॉक, ठीक है। उसके बाद आईसीटीसी की जो फेयर मार्केट प्राइस होनी चाहिए दैट इज़ अबाउट 37 रुपीज़, और मार्केट में इसकी जो वैल्यू चल रही है दैट इज़ 20 रुपीज़। तो 20 रुपीज़ के अगेंस्ट दिस इज़ अंडर वैल्यू, अंडर वैल्यू, अभी मार्केट में ये अंडर वैल्यूड है, ठीक है। और लास्टली आपके पास आ जाती है अगेन मार्केट में जो PITC की वैल्यू चल रही है दैट इज़ 60, इसकी वैल्यू होनी चाहिए 46 रुपीज़। तो ये भी क्या है, अभी मार्केट में ओवर वैल्यूड है। तो स्टेटस के बाद आप रिजल्ट्स बताएंगे, रिजल्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट वेदर यू हैव टू बाय और सेल द स्टॉक। सो इसको आप क्या करेंगे, ये ओवर वैल्यू है इसको आप सेल करेंगे, अंडर वैल्यू है यू विल बाय दिस स्टॉक, आईसीटीसी को आप बाय कर लें और इसको भी आप क्या कर दें, सेल कर दें। तो दिस इज़ द डिसीजन अकॉर्डिंग टू सेल्स टू प्राइस रेशो। सो कमिंग टूवर्ड्स कैश टू प्राइस रेशो, और कैश टू प्राइस रेशो इज़ जस्ट लाइक सेल्स टू प्राइस रेशो, बस इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें आप कैश पर शेयर निकालते हो और कैश की रकम आपको बैलेंस शीट से मिलती है। तो कैश फिगर, इफ़ यू वॉन्ट टू फाइंड अ कैश टू प्राइस रेशियो, तो कैश फिगर इज़ अवेलेबल इन बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में करंट एसेट्स के कॉलम में आपको ये मिल जाती है, ठीक है। और कैश टू प्राइस रेशियो जिसको मैं सीपी रेशियो भी कह देता हूँ, ठीक है, सीपी रेशियो जिसको कैश टू प्राइस रेशियो का है, तो इट इज़ इसका फॉर्मूला भी अगेन सेल जैसा ही है, बस जहाँ सेल आ रहा था वहाँ पे कैश लगा देना है, कैश टू कैश पर शेयर, ठीक है, कैश डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर, इसको टोटल को डिवाइड करना है हमने किस पे, एमपीएस पे, मार्केट प्राइस पर शेयर पे। सेम वे में आपने कैलकुलेशन करनी है, सेम वे में आपका सारा कुछ जो है सिंपल वे में कंप्लीट हो जाएगा। सो अगेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सेक्टर, लेट से यहाँ पर हम कुछ अज्यूम कर लेते हैं, वी आर गोइंग फॉर द एक्स वाई जी सेक्टर, ठीक है। और एक्स वाई जी सेक्टर में से मैंने चार कंपनीज ली हैं, ए बी सी एंड डी, ये चार कंपनीज हमने ले ली, एक्स वाई जी सेक्टर में से। अगेन किसी डेट पर इसके एमपीएस हम चेक कर लेते हैं, लेट से मैंने अभी जो कंपेयर करना है ये मैं June 30th पे एमपीएस देख रहा हूँ, कोई भी मैं डेट देख सकता हूँ जिसके ऊपर मैं एमपीएस इनके देख के कंपैरिजन कर सकता हूँ। तो June 30th में ए कंपनी की जो मार्केट प्राइस चल रही थी दैट इज़ 100 रुपीज़, बी कंपनी की 150 रुपीज़, सी कंपनी की आपके पास 200 रुपीज़, एंड डी कंपनी की आपके पास 112 रुपीज़ आपके पास प्राइस चल रही है रुपीज़ के अंदर, ठीक है। इसकी कैश हमने देख लिया, कैश इन थाउजेंड्स देखेंगे हम अगेन, तो कैश हमने देख लिया है, हम देखते हैं 2000 रुपीज़, 1000 रुपीज़, 4000 रुपीज़ एंड 1500 रुपीज़, कैश की रकम हमने अज्यूम कर ली 2000, 1000, 4000 एंड 1500 रुपीज़। नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग ये फाइंड कर लेते हैं हम, नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास आ गए दैट इज 50, 90 शेयर्स आर आउटस्टैंडिंग, 60 एंड देन देर आर 50 शेयर्स, ओके। सो हमने
कैश टू सेल्स, कैश पर शेयर निकालना है, ताकि हम फॉर्मूले का अगेन आपको मैं बताता चलूँ। ये सीपी रेशो निकालने के लिए, कैश टू प्राइस रेशो निकालने के लिए पहले ये फाइंड करना पड़ेगा। तो ये हम कैश डिवाइड बाय सेल्स करेंगे तो हमारे पास कैश पर सेल आ जाएगा। तो 2000 को 50 से डिवाइड किया, 40, 11.11, 66.67 एंड दिस इज़ योर 30, जो है वो कैश पर 30 रुपीज़ कैश पर शेयर। एक शेयर के अगेंस्ट कैश कंपनी के पास कितना है, डी कंपनी का 30 रुपीज़ है। इन एक कंपनी, एक शेयर के अगेंस्ट कंपनी के पास 40 रुपये हैं, ठीक है, 40 रुपीज़ हैं। अब आगे हम निकाल लेते हैं जी कैश टू प्राइस रेशियो। ये जो हमने फाइंड किया है इसको एमपीएस पर डिवाइड कर देंगे, मतलब इस कॉलम को इस कॉलम पे हम डिवाइड कर देंगे। 40 को 100 से, 11.11 को 150 से, 66.67 को 200 से, 30 को 112 से, तो हमारे पास जो है कैश टू प्राइस रेशियो आ जाएगी। तो 40 को 100 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 0.40, ठीक है। इसको डिवाइड किया हमने 0.074, ठीक है, 0.33 एंड 0.267। टोटल किया, टोटल हमारे पास आ गया 1 पॉइंट, जो टोटल हम जब इसको कर रहे हैं ये एक्स वाई जी सेक्टर का टोटल कैश टू प्राइस रेशियो जो आपके पास है 1.071। अगेन कैश टू प्राइस रेशियो निकालने के लिए जो मैंने आपको फॉर्मूला लगाया, दैट इज कैश पर सेल्स डिवाइड बाय एमपीएस। अगेन मैं अगर फेयर प्राइस निकालनी है तो इस फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास एवरेज सीपी रेशियो, अगर मैं ये लिखता हूँ तो ये सेम ही रहेगा, कैश टू सेल्स, और एमपीएस विल कन्वर्ट इनटू फेयर प्राइस। अगेन फेयर प्राइस इज इक्वल टू कैश टू शेयर रेशो, सॉरी दिस इज कैश टू शेयर रेशो, कैश पर शेयर। डिवाइड बाय एवरेज सीपी रेशियो। सो फेयर प्राइस, वी नीड फेयर प्राइस, वी हैव सीपी रेशियो, ठीक है, एंड दिस इज दी सीपी रेशियो पर कंपनी, एंड एवरेज सीपी रेशियो अगर हमने फाइंड करनी है तो टोटल सीपी रेशियो 1.071 डिवाइड बाय 4, सो इट विल बी 0.269। ये आपके पास एवरेज सीपी रेशियो आ गई। एवरेज सीपी रेशियो आपको ये दी हुई है, कैश टू शेयर रेशियो आपको ये दिया हुआ है, तो इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो है आ जाएगी फेयर प्राइस। तो यहाँ पर अब हमने सीपी रेशियो सेल्स टू प्राइस को, सेल्स कैश टू शेयर को डिवाइड करना है एवरेज
सीपी रेशियो पे, तो पहले हम 40 डिवाइड बाय 0.269 हमारे पास आ जाएगा, तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी। मैं इसको राउंड ऑफ करके लिख रहा हूँ, उसकी एक वजह वो मैं आपको एंड पे बताऊँगा। टोटल फिगर को वैसे दो डेसिमल पॉइंट तक हम लिखते हैं, लेकिन इसको मैं टोटल राउंड ऑफ करूँगा। पहले की वैल्यू आ जाती है 149, ठीक है। सेकेंड वन 11.11 डिवाइड बाय 0.269, तो ये हमारे पास आ गई 41 रुपीज़ फेयर प्राइस। थर्ड की 248 एंड फोर्थ की आपके पास आ गई 112। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द स्टेटस वेदर इट इज ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड। पहले केस में देखिए, मार्केट प्राइस जो मार्केट में चल रही है दैट इज़ ए कंपनी की, दैट इज़ 100 रुपीज़, और इसकी फेयर प्राइस आई है 149, तो ये आपकी क्या है, अंडर वैल्यूड, अंडर वैल्यू स्टॉक है आपके पास। उसके बाद आपके पास 150 बी कंपनी की जो मार्केट प्राइस चल रही है दैट इज़ 150, और इसकी फेयर प्राइस क्या होनी चाहिए, दैट इज़ 41, तो ये बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यू है। थर्ड वन इज़ 200 इसकी मार्केट प्राइस चल रही है इस टाइम, और 248 इसकी फेयर प्राइस है, तो ये भी आपकी क्या है, अंडर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड स्टॉक है। लास्ट वन का थोड़ा इंटरेस्टिंग है, डी कंपनी की जो एमपीएस है वो भी 112 है, और उसकी फेयर प्राइस भी 112 है, तो ये है आपके पास फेयर वैल्यू। अब इसके रिजल्ट, अंडर वैल्यू है बाय की सजेशन देंगे, ओवर वैल्यू है सेल की सजेशन देंगे, अंडर वैल्यू है बाय की सजेशन देंगे, लास्टली फेयर वैल्यू के इक्वल है मार्केट प्राइस, सो यू विल होल्ड दिस स्टॉक, यू विल नॉट सेल दिस स्टॉक और आइदर बाय और सेल, यू विल होल्ड दिस स्टॉक अगर आपकी फेयर वैल्यू एंड मार्केट प्राइस जो है वो इक्वल आ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप जो है ये क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे। ये है दी रिलेटिव मॉडल्स के मुताबिक वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक्स, और इसकी बेस के ऊपर इन्वेस्टर डिसीजन कर सकता है वेदर ही हैज़ टू बाय अ स्टॉक और सेल अ स्टॉक और होल्ड अ स्टॉक, ठीक है। सो दिस इज़ द वन मेथड एंड यू हैव टू सॉल्व सम क्वेश्चंस व्हिच आई एम गोइंग टू राइट नाउ। सो दिस इज़ द क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है। दिस इज़ एबीसी सेक्टर, और एबीसी सेक्टर में तीन एसेट्स, तीन कंपनीज ली हैं एक्स वाई जी, इनके मार्केट प्राइस पर शेयर बताइए, सेल्स बताइए, कैश की अमाउंट बताइए और नंबर ऑफ शेयर्स बताएं। आपने क्या करना है, ये रिक्वायर्ड डिसाइड वेदर टू बाय और सेल स्टॉक ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स टू प्राइस रेशियो एंड कैश टू प्राइस रेशियो, ये क्वेश्चन है, ये आपने सॉल्व करके अभी अपलोड करना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।